Good morning, dear listeners. Myself, Dr. MEENU VERMA, Assistant Professor in the Department of B.Ed., the Graduate School College for Women, Jamshedpur, a constituent unit of Kolhapur University, Chaivasa. आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में. एग्जामिनेशन सिस्टम अर्थात भारत में जो प्रचलित परीक्षा की प्रणाली है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे. भारत में प्रचलित एग्जामिनेशन सिस्टम के अंतर्गत एक प्रकार है जिसके अंतर्गत आता है एसे टाइप और ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम अर्थात निबंधात्मक परीक्षाएं. यह टॉपिक बीएड सेमेस्टर 3 के पेपर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग यूनिट 4 इश्यूज इन असेसमेंट एंड पॉलिसी प्रोविजन के अंतर्गत आता है. एग्जामिनेशन सिस्टम के अंतर्गत अर्थात जो परीक्षा प्रणाली है उसके अंतर्गत भारत में दो तरह की परीक्षा प्रणालियां प्रचलित हैं, जिसमें पहला है एसे टाइप और ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम अर्थात निबंधात्मक परीक्षाएं, और दूसरा है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन सिस्टम अर्थात वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली. ये दोनों ही प्रकार के परीक्षा प्रणालियों के कुछ गुण हैं और दोनों ही परीक्षा प्रणाली कुछ दोषों से युक्त है. हम दोनों ही प्रकार के परीक्षा प्रणाली के गुण एवं दोषों को समझने का प्रयास करेंगे. आज की कक्षा में हम एसे टाइप अर्थात ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में समझेंगे. किसी भी विषय में परीक्षा तो अवश्य ही होनी चाहिए, परंतु परीक्षा प्रणाली दोष रहित होनी चाहिए. प्रश्न पत्र में प्रश्न अधिक संख्या में होने चाहिए. ऐसे करने से बालक के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जांच हो सकती है. इसके अतिरिक्त रटने को भी प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए और नकल करने की भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली से हम सभी भलीभांति परिचित हैं, क्योंकि प्रायः सभी स्कूल एवं कॉलेजों में इसका ही प्रयोग किया जाता है. इन परीक्षाओं की नींव अत्यंत गहरी है, इसलिए इन परीक्षाओं को रूढ़िवादी परीक्षाओं के नाम से भी पुकारा जाता है. निबंधात्मक परीक्षाओं में परीक्षार्थी किसी भी प्रश्न का उत्तर विस्तार से देता है. उत्तर की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाती तथा परीक्षार्थी अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः स्वतंत्र होता है. यद्यपि इन परीक्षाओं के माध्यम से परीक्षार्थी की विभिन्न मानसिक योग्यताओं जैसे उनकी रुचियों, क्षमताओं, अभिवृत्तियों, कौशलों आदि का सही मूल्यांकन संभव है, फिर भी यह परीक्षाएं मूलतः इस बात पर विशेष महत्व देती है कि परीक्षार्थी सुंदर लेख एवं भाषा शैली के आधार पर तथ्यों को फिर से किस कुशलता के साथ प्रस्तुत कर पाता है. ऐसे टाइप अर्थात निबंधात्मक परीक्षा के अंतर्गत तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अर्थात निबंधात्मक प्रश्न. इस प्रकार के प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दिए जाते हैं, जिसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाती. उदाहरण के तौर पे यदि किसी प्रश्न में ऐसा कहा जाता है कि किसी भी चीज का सचित्र वर्णन करिए, या किसी की विस्तार से वर्णन कीजिए, या फिर किसी कार्यविधि को समझाइए, इस प्रकार के प्रश्न को हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत रखते हैं, जो कि
निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का एक प्रकार है, पाठ है। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत आने वाले दूसरे प्रकार के प्रश्न होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थी को शब्दों की कोई निश्चित सीमा अथवा 7-8 पंक्तियों में देना होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि किसी भी चीज़ का नामांकित चित्र बनाइए या किसी नियम या थ्योरी के बारे में लिखिए या इस तरह के कोई अन्य प्रश्न जिसका उत्तर 7 या 8 पंक्तियों में देना संभव हो, तो इस प्रकार के प्रश्न को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। ऐसे टाइप और ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाला तीसरा वैरायटी है क्वेश्चन का, जिसे कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अर्थात अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थियों को मात्र एक शब्द, एक पंक्ति या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 वाक्यों में देना होता है। जैसे कि इस तरह के प्रश्न के अंतर्गत वैसे प्रश्न हो सकते हैं जिसका उत्तर एक शब्द में दिया जा सके। जैसे अगर किसी भी चीज़ का यूनिट या किसी की मात्रा पूछी जा सकती है, जैसे पूछा जाए कि किसी की परिभाषा पूछी जाए या किसी थ्योरी के बारे में पूछा जाए, तो और उसका उत्तर अगर एक शब्द, एक पंक्ति या 2-3 वाक्यों में देना संभव हो जाए, तो इस तरह के प्रश्न को वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं, जो कि ऐसे टाइप अर्थात निबंधात्मक परीक्षा के अंतर्गत आता है। तो आज हमने देखा कि निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में कई प्रकार के गुण हैं जिसकी वजह से इसे अपनाया गया है, और जैसा कि इसका एक दूसरा नाम हम देख रहे हैं ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम, अर्थात ये काफ़ी समय से चला आ रहा है, यह अडॉप्टेड है काफ़ी समय से, और ये इसीलिए अडॉप्टेड है, इसीलिए इसको अपनाया गया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। अगली कक्षा में हम मेरिट्स ऑफ ऐसे टाइप और ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में समझेंगे। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। इस वीडियो लेक्चर के जरिए आप निबंधात्मक परीक्षा अर्थात ऐसे टाइप और ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में कुछ समझ पाए होंगे। धन्यवाद।